बड़वानी में पुरानी पेंशन एवं वरिष्ठता बहाली की मांग को लेकर बड़वानी जिले आक्रोश रैली का आयोजन किया है। हाई स्कूल प्रांगण से बाइक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर नायब तहसीलदार जगदीश बिलवाले को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। पुरानी पेंशन बहाली मंच के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र जाधव ने बताया है कि नवीन पेंशन शेयर मार्केट और MUT की ब्याज दर पर आधारित है, जिसमें पेंशन की कोई निश्चित गारंटी नहीं है, ना ही इससे प्राप्त पेंशन राशि आत्मनिर्भर जीने योग्य है। नेशनल पेंशन स्कीम से प्राप्त पेंशन की राशि में महंगाई के साथ कोई वृद्धि नहीं होती है और सेवानिवृत्ति पर 500 से 1000 रुपये तक की पेंशन प्राप्त हो रही है, जिससे आश्रित परिवार के सामने घोर वित्तीय संकट आ जाता है। जिला प्रभारी यशवंत चौहान ने बताया कि फरवरी माह में हमने पूरे प्रदेश के समस्त विधायकों एवं मंत्रियों को पुरानी पेंशन बहाली हेतु ज्ञापन सौंपे थे, किंतु प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेने से समस्त कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। 16 अप्रैल 2023 को जिला स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा और यदि उसमें भी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश स्तर पर वृहद आंदोलन होगा। बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। लोगों को आश्वस्त करता हूं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा का सत्र जो अभी 27 तारीख से जो शुरू होना है, ये 15वीं विधानसभा का आखिरी बजट सत्र है और 27 तारीख से ये शुरू हो रहा है और ये 27 तारीख से जो बजट सत्र शुरू होना है जिसपे 27 तारीख को राज्यपाल जी का अभिभाषण होना है और उसके बाद राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद उनके धन्यवाद प्रस्ताव पे मेरा भी बोलने का रहेगा। मैं आप लोगों को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के विधायकगणों की तरफ से मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम लोग ये जो वर्तमान में सरकार है और मुख्यमंत्री है तो उनके सामने इस बात को दमदारी से ताकतवर तरीके से हम रखेंगे और ये मांग करेंगे कि कर्मचारियों के हित में ये है, कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने वाला ये ज्ञापन है और उनकी ये मांग है, आप इस मांग को माने और इस मांग को मंजूर करें, सेंक्शन करें, स्वीकृत करें। हम पूर जोर ताकत से आपका हम साथ देंगे। हमारे सभी विभाग मानना नहीं मानना है, सरकार का काम है, पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का जो मामला हमारी पार्टी का जो मैसेज इसमें स्टैंड क्लियर कट है कि यह है। कमलनाथ जी ने कहा है, बोला है कि जिस तरह से कर्ज माफी की फिर से उन्होंने जो घोषणा किसानों की है, वैसे ही एक OPS को भी, ओल्ड पेंशन स्कीम को भी आदरणीय कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही हम कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मैं आपको बताना भी चाहता हूं, जानकारी में भी लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने ये हमारे वचन पत्र में, मैनिफेस्टो में ये हमने मुद्दा डाला था, ये सब्जेक्ट, ये विषय हमने डाला था। सरकार बनी और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार में पहली ही कैबिनेट में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है, राजस्थान में लागू कर दिया है, छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया है, ज्यादा कांग्रेस पार्टी की सरकारें है वहां लागू हो चुका है। अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार ये नहीं लागू करती है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्लियर कट, आप इस बात को समझ लीजिए, हमारी सरकार बनते ही हम आपको OPS देंगे पहली कैबिनेट में और हमारे वचन पत्र में भी आएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से वचन पत्र जो बन रहा है उस वचन पत्र का पूरे मध्य प्रदेश का आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे प्रभारी बनाया है, वचन पत्र बनाने का इंचार्ज मुझे बनाया है, तो मैं इसको डालूंगा एक नंबर पे, इसको एक नंबर पे ही अच्छी तरह